यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट क्रीमिया ब्रिज पर पिछले 6 घंटों से मिसाइल वर्षा जारी है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से क्रीमिया का कर्च ब्रिज पूरी तरह से धुएं के गुबार से छिपसा गया है। सबसे पहले इस हमले से जुड़े अपडेट आपको मैं दिखाने जा रही हूं। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि 1 घंटे के अंतराल पर 2 बड़े मिसाइल हमले हुए हैं, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये कि पहले हमले में ब्रिज पर 2 मिसाइल मारी गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय समय के मुताबिक पहला हमला शाम 4 बजे हुआ, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज टीवी 9 ने आपको दिखाई। सबसे पहले 56 मिनट बाद फिर कर्च ब्रिज पर मिसाइल अटैक की खबर आई। इसके बाद अगला स्टेट ऑफ माइंड क्या था वहां पर, वो ये कि 1 घंटे में कर्च ब्रिज पर 3 मिसाइल अटैक हुए हैं और रूसी डिफेंस सिस्टम ने 3 मिसाइल ध्वस्त कर दिया है और ये बड़ी कामयाबी। अभी और हमले होने का खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है, ये भी लगातार जानकारियां टीवी 9 को मिल रही है। देर रात रूस बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है और इस वक्त जो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, देर रात रूस बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आ रहा है। यूक्रेन के हमलों की रफ्तार बढ़ रही है। अगस्त के महीने में क्रीमिया पर यूक्रेन ने लगातार ड्रोन की बारिश की और 12 अगस्त की दोपहर यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर एक बार फिर हमला किया। यूक्रेन की सेना ने कर्च ब्रिज पर 2 रॉकेट दागे। कर्च ब्रिज के पास पहुंचते ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल ने दोनों रॉकेट को तबाह कर दिया। धमाके से कर्च ब्रिज और कई मील दूर तक इलाका दहल उठा। ब्रिज के आर्च से धुएं का गुबार उठता नजर आने लगा। कर्च ब्रिज लगातार यूक्रेन के निशाने पर रहा है। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले पुल पर यूक्रेन ने पहला हमला 8 अक्टूबर 2022 को किया था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया पुल के एक पिलर पर एक यूएसवी से हमला किया गया। 12 अगस्त को यूक्रेन के कर्च पुल पर हमले की तीसरी कोशिश नाकाम कर दी गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर पहला हमला किया तो रोड और रेलवे दोनों को बड़ा नुकसान हुआ था। तब यूक्रेन ने एक ट्रक में विस्फोटक भरे थे और पुल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी वर्षा कर दी थी। 17 जुलाई को कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ तब रोड की एक लेन तबाह हो गई थी, जिसे कुछ ही घंटों में सही कर दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद पूर्व से पश्चिम तक पूरा यूक्रेन दहल उठा। 12 अगस्त को हुए हमले के बाद भी ये तय है कि कर्च ब्रिज पर प्रतिशोध बहुत भयंकर होने वाला है। दरअसल क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पैरा होता है जिसे भेदना असंभव है और इस ब्रिज की सुरक्षा 1-2 लेयर की नहीं बल्कि पूरे 20 लेयर की होती है। आप एक एनिमेशन के जरिए समझिए कि कर्च ब्रिज की सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह की है। इस पुल की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में हथियारों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन जो है वो पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा की जाती है और इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्वेलेंस सिस्टम तैनात है। एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है और ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात है और इतना ही नहीं, कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24 घंटे तैनात रहती है। वहीं पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैनात है और कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सुनार सिस्टम भी लगे हुए हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं। सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेंड डॉल्फिन तैनात की गई हैं और इन सब के अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है और इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत थी। और ऐसे में अगर यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की तमाम सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद कर कर्च ब्रिज पर अटैक करते हैं, उसे तबाह करते हैं, तो ये क्रीमिया ही नहीं बल्कि क्रेमलिन के लिए भी खतरे का संकेत है।
क्रीमिया ब्रिज पर हमले की आशंका कई दिनों से थी। बीते 24 घंटे से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कई दिन से शांत नहीं हुए हैं। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर 20 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 14 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिए। 6 ड्रोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से गिरा दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा 20 से ज्यादा रॉकेट भी दागे। रूस ने यूक्रेन के सभी रॉकेट हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन ने सेवेस्टोपोल में USV यानी अनमैन्ड सर्फेस वेसल पर भी हमले की कोशिश की। यूक्रेन का टारगेट कर्च ब्रिज है। इसके साथ ही खेरसोन को क्रीमिया से जोड़ने वाला चोनहार पुल भी उसके निशाने पर है। दरअसल यूक्रेन पर काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद बड़ा दबाव है। यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर भी रूस के कब्जे वाले क्षेत्र आजाद नहीं करा पाया है। अब नेटो ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सर्दियों से पहले काउंटर ऑफेंसिव के सकारात्मक नतीजे नहीं आए तो हथियारों की सप्लाई घटा दी जाएगी। नेटो संगठन के कई देशों को यूक्रेन के हथियार सप्लाई का विरोध हो रहा है। कई देशों का हथियार भंडार इतना घट चुका है कि उसको पूरा करने में 10 साल लग सकते हैं। नेटो के बढ़ते दबाव की वजह से यूक्रेन ने क्रीमिया को सबसे बड़ा मोर्चा बना लिया है। अगर क्रीमिया में बड़े हमले में वो कामयाब रहा तो रूस पर मानसिक दबाव बनाने में कामयाब होगा। नेटो ने यह भी साफ कर दिया है कि मॉस्को या रूस की धरती पर उसके हथियारों से हमले नहीं किए जाएं। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने पर विचार हो रहा है। अगर टॉरस मिसाइल दी गई तो शर्तों के साथ दी जाएगी। शर्त है कि यूक्रेन रूस की धरती पर टॉरस मिसाइल से हमले नहीं करेगा। यूक्रेन ने इसीलिए पूरा बारूद क्रीमिया पर झोंक दिया है ताकि उसे मिसाइलों की नई खेप मिले। ये बारूदी बारिश क्रीमिया पर हमले का आखिरी नाम है। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले की बड़ी तैयारी की है। ब्रिटेन में यूक्रेन के 1000 कमांडोज की मरीन ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनको समंदर में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। माना जा रहा है कि इस फौज को ज़ेलेंस्की क्रीमिया की जंग में उतारने वाले हैं। क्रीमिया अब युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है और अगर क्रीमिया पर बड़े हमले हुए तो ये भी तय है कि रूस यूक्रेन और उसके मददगार देशों पर विध्वंसक बारूदी बारिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।